नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सक्सेस गुरु मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों चलिए हम अपने गत प्रवाह को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले मैं सभी कमेंट्स करने वाले साथियों को, लाइक करने वाले साथियों को और अपना कीमती समय देकर मेरा वीडियो देखने वाले साथियों को धन्यवाद करना चाहती हूँ। चलिए आगे बढ़ते। भाषा के स्वरूप स्थिर हो जाने पर साहित्य की रचना कुछ परिमाण में हो लेती, तभी शैलियों का भेद, लेखकों की व्यक्तिगत विशेषताएं आदि लक्षित। मतलब जब भाषा का रूप स्थिर हो जाता है तब साहित्य कुछ परिमाण में रचना तो उसकी हो जाती है, और तब जो शैलियों का भेद होता है, जो लेखकों की व्यक्तिगत विशेषताएं होती है वो दिखाई देती है या लक्षित होती। भारतेंदु के प्रभाव से उनके अल्प जीवन काल के बीच ही लेखकों का एक खासा मंडल तैयार हो गया, जिसके भीतर प्रताप नारायण मिश्र, उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी, ठाकुर जगमोहन सिंह, पंडित बाल कृष्ण भट्ट मुख्य रूप से गिने जा सकते। इन लेखकों की शैलियों में व्यक्तिगत भिन्नता स्पष्ट लक्षित हुई। भारतेंदु में ही हम दो प्रकार की शैलियों का व्यवहार पाते हैं, उनकी भावावेश की शैली और दूसरी तथ्य निर्भर। यहाँ पे शुक्ल जी ये कह रहे हैं कि जब भी कोई साहित्य लिखा जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं भले ही भाषा का रूप कितना भी स्थिर हो, लेखकों का अलग अलग व्यक्तित्व, उनकी विशेषताएं उसमें झलकती। ठीक है, अब भारतेंदु जी में ही स्वयं में दो तरह की शैलियां मिलती हैं। एक जब वो भावावेश में लिखते थे तो वो शैली उनकी अलग होती थी, और जब वो तथ्य निरूपण करते थे तब वहां पर उनकी दूसरी शैली प्रयुक्त होती। भावावेश के कथनों में प्रायः बहुत छोटे वाक्य बहुत छोटे छोटे होते थे और पदावली सरल बोलचाल की होती थी, जिसमें बहुत प्रचलित अरबी फारसी के शब्द भी कभी कभी पर बहुत कम आ जाते हैं। जहाँ किसी ऐसे प्रकटिस्थ भाव की व्यंजना होती है जो चिंतन का अवकाश भी बीच बीच में छोड़ता है, वहाँ की भाषा कुछ अधिक साधु और गंभीर होती है। वाक्य भी कुछ लंबे होते हैं पर उनका अन्य वह जटिल नहीं। तथ्य निरूपण या सिद्धांत कथन के भीतर संस्कृत शब्दों के कुछ अधिक मेल दिखाई पड़ते हैं। जहाँ पर वो तथ्य निरूपण करते हैं या कोई सिद्धांत की बात करते हैं वहाँ पर संस्कृत के शब्द अधिक दिखाई देने लगते हैं। एक बात विशेष रूप से ध्यान देने की है, वस्तु वर्णन या दृश्य वर्णन में विषयांत मधुर या कठोर वर्ण वाले संस्कृत शब्दों की योजनाओं की जो प्रायः समस्त और सानुप्रास होती थी चली सी आई। भारतेंदु में ये प्रवृत्ति सामान्यता नहीं पाते हैं। ये चीजें विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा, पूछी जा सकती है। ठीक है, वस्तु वर्णन या दृश्य वर्णन में जब विषयानुकूल, जहाँ पे मधुर और कठोर वर्णों का प्रयोग, संस्कृत के शब्दों का प्रयोग जैसा ज्यादातर किया जाता था, है ना, वो भारतेंदु में हम प्रवृत्ति नहीं पाते। इस चीज का अभाव। पंडित प्रताप नारायण मिश्र की प्रकृति विनोदशील थी, अतः उनकी भाषा बहुत स्वच्छंद गति से बोलचाल की चपलता और भाव भूमिका लिए चलती रही। हास्य विनोद की उमंग में वे कभी कभी मर्यादा का अतिक्रमण कर पूर्वी कहावतों और मुहावरों की बौछार भी छोड़ती है, मतलब वो मर्यादा के को भी पार कर जाती थी कभी कभी हास्य विनोद की उमंग में। उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेम धन के लेखों में गद्य काव्य के पुराने ढंग की झलक, रंगीन इमारत की चमक दमक बहुत कुछ मिलती। बहुत से वाक्य खंडों की लड़ियों से उठे हुए उनके वाक्य अत्यंत लंबे हो जाते थे। यहाँ पे देखिए शुक्ल जी का ही वाक्य काफी लंबा हो गया, इतने लंबे कि उनका अन्य प्रेरित लगा। पद विन्यास में कहीं कहीं वाक्यों के बीच में विराम स्थलों पर भी
अनुप्रास दे, किंशा और लल्लू लाल का स्मरण हुआ था। मतलब वो भी इसी तरह का कार्य करते थे, इसी तरह से पद विन्यास में विराम स्थल देते। इस दृष्टि से देखें तो प्रेम धन में पुरानी परंपरा का निर्वाह अधिक दिखाई देता है। बाल कृष्ण भक्त की भाषा अधिकतर वैसी होती ही होती थी जैसी खरी खरी सुनाने में काम लाई जाती थी। ध्यान रखिएगा, बहुत विशेष बात है ये, है ना। बाल कृष्ण भक्त जी की भाषा कैसी होती थी? जैसी खरी खरी सुनाने में काम लाई जाती है। जिन लेखों में उनकी चिचड़ाहट झलकती है वे विशेष मनोरंजक है। नूतन पुरातन का वह संघर्ष काल जिसमें भट्ट जी को चढ़ाने के लिए पर्याप्त सामग्री मिल जाया करती थी। समय के प्रतिकूल पुराने वर्तमूल के विचारों को उखाड़ने और परिस्थिति के अनुकूल नए विचारों को जमाने में उनकी लेखनी सदा तत्पर रहती। भाषा उनकी चटपटी, तीखी और चमत्कार पूर्ण होती थी। अच्छा, भाषा चटपटी और तीखी कैसे हो सकती है? मतलब उस जिसको सुनने में ऐसा एहसास हो, ठीक है। ठाकुर जगमोहन सिंह जी की शैली सप्त शोधन और अनुप्रास की प्रवृत्ति के कारण चौधरी बद्री नारायण की शैली से मिलती जुलती। ठाकुर जगमोहन सिंह की जो शैली थी वो चौधरी बद्री नारायण की शैली से मिलती जुलती थी, पर उसमें लंबे वाक्य की जटिलता नहीं पाई था। इसके अतिरिक्त उनकी भाषा में जीवन की मधुर रंग स्थलियों को मार्मिक ढंग से हृदय में जमाने वाले प्यारे शब्दों का चयन अपनी अलग ही विशेषता रखता है। आधुनिक काल की कवि विशेषताएं भी थोड़ा कम पूछी गई है, लेकिन आप तैयार रहें आगे के लिए ये महत्वपूर्ण है ना। ये पूछी जा सकती है ठाकुर जगमोहन सिंह की जो भाषा की विशेषता है ना, और चौधरी जी की जो विशेषताएं, इन पे थोड़ा ध्यान रखिए। हरिश्चंद्र काल के सब लेखकों में अपनी भाषा की प्रकृति की पूरी परख। संस्कृत के ऐसे शब्दों रूपों का व्यवहार वे करते थे जो शिष्ट समाज के बीच प्रचलित चले आए। जिन शब्दों या उनके जिस रूपों में केवल संस्कृत भाषी ही परिचित होते हैं और भाषा प्रवाह की साथ ही चलते नहीं, उनका प्रयोग वे बहुत औचक पकड़ कर ही करते थे। औचक में पढ़कर ही, सॉरी, करते थे। मतलब बहुत ज्यादा ही जरूरी हो जाता था तभी लिखते थे, अन्यथा ऐसे शब्दों का प्रयोग वो लोग नहीं करते थे। उनकी लिखावट में आना उदयमान ये शब्द यहाँ पर फिर से टाइप भी हुआ, और अब साथ ऐसे शब्द मिलते हैं ना औदार्य, सौकार्य, मौरख्य, ऐसे रूप, ठीक है, बिल्कुल सरल और चलती भाषा का प्रयोग के लोग करते। भारतेंदु के समय में ही देश के कोने कोने में हिंदी के लेखक तैयार थे जो उनके निधन के उपरांत भी बराबर साहित्य सेवा में लगे रहे। अपने अपने विषय क्षेत्र के अनुकूल रूप से हिंदी को देने में सबका हाथ था। धर्म संबंधी विषयों पर लिखने वाले जैसे पंडित अंबिकादत्त व्यास ने शास्त्रीय विषयों को व्यक्त करने में, संवाद पात्रों में राजनीतिक बातों को सफाई के साथ सामने रखने में हिंदी को लगाया। सारांश ये है कि उस काल में हिंदी का शुद्ध साहित्योपयोगी रूप ही नहीं व्यवहारोपयोगी रूप निकला। किस काल में निकला? भारतेंदु युग काल। ध्यान रखिएगा इस चीज। यहाँ तक तो भाषा की और शैली की बात हुई, अब लेखकों के दृष्टि क्षेत्र और उनकी मानसिक अवस्थान लीजिए। हरिश्चंद्र तथा उनके समसामयिक लेखकों में जो गुण सामान्य रूप से लक्षित होते हैं वह सजीवता या उनकी चिंतादी। सब में हास्य या विनोद की मात्रा थोड़ी बहुत पाई जाती। राजस्य प्रसाद या राजा लक्ष्मण सिंह राजा लक्ष्मण सिंह पर अधिकार रखने वाले छिंदकों से दबे हुए स्थिर प्रगति के लेखक थे। ये लोग कैसे थे? भाषा पर अधिकार रखने वाले झंझटों में दबे हुए स्थिर प्रकृति के लेखक। इन उनमें वह चपलता, स्वच्छंदता और उमंग नहीं दिखाई और नहीं पाई जाती जो हरिश्चंद्र मंडल के लेखकों में दिखाई पड़ती। शिक्षित समाज में संचरित भावों को
धातेंद्र के सहयोगियों ने बड़े अनुरंजनकारी रूप में ग्रहण किया। सबसे बड़ी बात स्मरण करने की यह है कि उन पुराने लेखकों सबसे बड़ी बात स्मरण रखने की यह है कि उन पुराने लेखकों के हृदय का मार्मिक संबंध भारतीय जीवन के विविध रूपों के साथ पूरा पूरा बना। भिन्न भिन्न ऋतुओं में पड़ने वाले त्योहारों उनके मन में उमंग उठाते। परंपरा से चले आते हुए आमोद प्रमोद के मेले में कौतूहल जगाते और प्रफुल्लता जाते थे। आज कल के समान उनका जीवन देश के सामान्य जीवन से विच्छिन्न नहीं था। विदेशी अंधारों में उनकी आंखों में इतनी धूल नहीं झोंकी थी कि अपने देश का रूप रंग उन्हें सुझाई ही न पड़ता। काल की गति वे देखते थे, सुधार का मार्ग भी उन्हें सूझते थे, पर पश्चिम की एक एक बात के अभिनय को वे उन्नति का पर्याय नहीं समझते थे। मतलब जितना उन्नति के लिए जरूरी था उतना तो वो पश्चिम को मानते थे, समझते थे, जानना चाहते थे, लेकिन हर जगह वो पश्चिमी सभ्यता को ही उन्नति का पर्याय नहीं समझते थे। प्राचीन और नवीन संधि स्थल पर खड़े होकर वे दोनों का जोड़ इस प्रकार मिलाना चाहते थे कि नवीन प्राचीन का परिवर्तित रूप प्रतीत हो, न कि ऊपर से लपेटी हुई बस, मतलब उसके साथ मिलजुल कर ही वो आगे बढ़ जाए। ये देखिए, ये पंक्ति बहुत ज्यादा पूछी जाती है। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ। भारतेंदु के पहले नाटक के नाम से जो दो चार ग्रंथ ब्रज भाषा में लिखे गए थे उनमें महाराज विश्वनाथ सिंह के आनंद रघुनंदन नाटक को छोड़कर और किसी में नाटकत्व न था। हरिश्चंद्र ने सबसे पहले विद्या सुंदर नाटक का बांग्ला अनुवाद से सुंदर हिंदी में अनुवाद करके संवत 1925 में प्रकाशित किया। उसके पहले वे प्रवास नाटक लिख रहे थे पर वह पूरा नाम। उन्होंने आगे चलकर भी अधिकतर नाटक ही पंडित प्रताप नारायण और बद्री नारायण चौधरी ने भी उन्हीं का अनुसरण किया। खेत के साथ कहना पड़ता है कि भारतेंदु के समय में धूम से चली हुई नाटकों की वे परंपरा आगे चलकर बहुत शिथिल पड़ गई। मतलब अपनी अनवरतता को जारी नहीं रख सकी, अनवरत रह सकी हो, बहुत कुछ हल्की हो गई, ढीली हो गई। पंडित रामप्रास वर्मा बंगाल के नाटकों का जैसे वीर नारी पद्मावती, कृष्ण कुमारी अनुवाद नाटक करके नाटकों का सिलसिला खुद चलाते रहे। इस उदासीनता का कारण उपन्यासों की ओर दिन दिन बढ़ती हुई रुचि के अतिरिक्त अभिनय शालाओं का अभाव भी कहा जा सकता है, है ना? क्योंकि लोग उपन्यासों की तरफ ज्यादा रुचि ले रहे थे और नाटकों के लिए अभिनय शालाएं चाहिए, जिनका अभाव। अभिनय द्वारा नाटकों की ओर रुचि बढ़ती और उसका अच्छा प्रसार होता। नाटक दृश्य काव्य, उनका बहुत कुछ आकर्षण अभिनय पर अवलंबित रहता है। उस समय नाटक खेलने वाले जो व्यवसायी फारसी कंपनियां थी वह उर्दू छोड़ हिंदी नाटक खेलने को तैयार न थी। ऐसी दशा में नाटकों की ओर हिंदी प्रेमियों का उत्साह कैसे रह सकता है, सोचने वाली बात है। भारतेंदु जी प्रताप नारायण मिश्र बद्री नारायण चौधरी उद्योग करके अभिनय का प्रबंध किया करते और कभी कभी स्वयं भी पार्ट लेते। भाई जब लोगों का रुचि नहीं थी तो इन लोगों को रुचि जगाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। पंडित शीतला प्रसाद त्रिपाठी का जानकी मंगल नाटक का जो धूमधाम से अभिनय हुआ था उसमें भारतेंदु जी ने भी पार्ट लिया था, हिस्सा लिया था। ये अभिनय देखने काशी नरेश महाराज ईश्वरी प्रसाद नारायण सिंह भी पधारे थे और इसका विवरण 8 मई 1868 के इंडियन में भी प्रकाशित हुआ। प्रताप नारायण मिश्र ने अपने पिता से अभिनय के लिए मूछ मुड़ाने की आज्ञा मांगना भी प्रसिद्ध ही है। कश्मीर कुसुम जिसमें राज तरंगणी का कुछ अंश और बादशाह दर्पण लिखकर इतिहास की पुस्तकों की ओर, शैवदेव का जीवन व्रत लिखकर जीवन चरित्र की पुस्तकों की ओर ही हरिश्चंद्र ले गए।
पद को समय इन विषयों की ओर लेखकों की प्रवृत्ति महतेंद्र जी तो सब तरफ अपना दिमाग दौड़ाए सब तरफ ले गए सभी का ध्यान लेकिन सबने अपनी रुचि के अनुसार चीजों में इंटरेस्ट लिया। पुस्तक रचना के अतिरिक्त पत्रिकाओं का प्रकाशित पुस्तक रचना के अतिरिक्त पत्रिकाओं में प्रकाशित अनेक प्रकार के फुटकर लेख और निबंध अनेक विषयों पर मिलते हैं जैसे राजनीति समाज दशा देश दशा ऋतु छटा पर्वतों त्योहार जीवन चरित्र ऐतिहासिक प्रसंग जगत और जीवन के संबंध रखने वाली सामान्य विषय जैसे आत्मनिर्भरता मनोयोग लेखकों और निबंधों की अनेक रूपता को देखते हुए उनका वर्गीकरण किया जा सकता है। समाज दशा और देश दशा संबंधी कुछ लेख विचारात्मक को अधिकांश भावात्मक थे, है ना? जीवन चरित्रों और ऐतिहासिक प्रसंगों में इति वृत्ति के साथ भाव व्यंजना भी गुंथित पाई जाएगी। ऋतु छटा और पर्व त्योहारों पर अलंकृत भाषा में वर्णात्मक प्रबंध सामने आते हैं। जगत और जीवन के संबंध रखने वाले सामान्य विषयों के निरूपण विरल विचार खंड के कुछ उक्ति वैचित्र के साथ पर शैली की व्यक्तिगत विशेषताएं थोड़ी बहुत लेखकों में पाई जाए। जैसा कि कहा जा चुका है हास्य विनोद की प्रवृत्ति इस काल के प्राय सब लेखकों में थी। प्राचीन और नवीन के संघर्ष के कारण उन्हें हास्य के अवलंबन दोनों पक्षों में मिलते थे। जिस प्रकार बात में बाप दादों की दुहाई देने वाले धर्म के आदम्बर की आड़ में दुराचार छिपाने वाले पुराने कुसक उनके विनोद के लक्ष्य थे, इसी प्रकार पश्चिमी चारधाम की ओर मोह के बल गिरने वाले फैशन के गुलाम भी। मतलब सत्य यह है कि जहाँ भी अति होगी वहीं पे नुकसान होगा, कितनी भी लाभदायक चीज हो अति सर्वत्र बढ़ जाते, है ना? नाटकों और निबंधों की ओर इसे झुकाव रहने पर भी बंग भाषा की देखा देखी नए ढंग के उपन्यासों की ओर भी ध्यान जा चुका था। अंग्रेजी ढंग के मौलिक उपन्यास पहले पहल हिंदी में लाला श्रीनिवास दास जी का परीक्षा गुरु ही निकला था। उनके पीछे राधा कृष्ण दास ने निस्सहाय हिंदू और बाल कृष्ण भक्त ने नूतन ब्रह्मचारी तथा सौ अजान और एक सुजान नामक छोटे छोटे उपन्यास लिखे। उस समय तक बंग भाषा में बहुत अच्छे उपन्यास निकल चुके थे, अतः साहित्य के इस विभाग की शून्यता की शीघ्र हटाने के लिए अनुवाद आवश्यक प्रतीत हुए। हरिश्चंद्र ने अपने पिछले जीवन में बंग भाषा के उपन्यासों का अनुवाद में भी हाथ लगाया पर पूरा नहीं कर सके। पर उनके समय में प्रताप नारायण मिश्र और राधाचरण गोस्वामी ने कई उपन्यासों के अनुवाद किए। तदनंतर बाबू गदाधर सिंह ने बंग विजेता और दुर्गेश नंदिनी का अनुवाद किया। संस्कृत की कादम्बनी की कथा भी उन्होंने बंगला के आधार पर लिखी। पीछे तो राधा कृष्ण दास कार्तिक प्रसाद खत्री और रामकृष्ण वर्मा ने बंगला उपन्यासों के अनुवाद की जो परंपरा चलाई वे बहुत दिनों तक चलती रही। इन उपन्यासों में देश की सर्व सामान्य के जीवन का बड़ा ही मार्मिक इसमें बड़े ही मार्मिक चित्र रहते थे। प्रथम उत्थान का अंत होते होते तो अनुदित उपन्यासों का बंधा गया होगा थोड़ा छपा गलत है, पर पिछले अनुवादकों का अपनी भाषा पर वैसा अधिकार न। अधिकांश अनुवादक प्राय भाषा का ठीक हिंदी रूप देने में असमर्थ है। कहीं कहीं तो बंगला के शब्द और मुहावरे ज्यों के त्यों रख दिए जाते थे, जैसे कांदना सिहरना है ना, घू घू करके चलना, छल छल आंसू गिरना इत्यादि। इन अनुवादों से बड़ा भारी भरकम काम यह हुआ कि नए ढंग के सामाजिक और ऐतिहासिक उपन्यासों के ढंग का अच्छा परिचय हो गया और स्वतंत्र उपन्यास लिखने वालों की प्रवृत्ति और योग्यता उत्पन्न हुई। हिंदी गद्य के सर्वोत्मुखी गति का अनुमान इसी से हो जाता है। 2500 पत्र पत्रिकाएं हरिश्चंद्र के जीवन काल में लिखी। चलिए जल्दी से देख लेते हैं। अल्मोड़ा अखबार 1928 जिसके संपादक सदानंद सलवास थे।
हिंदी दीप्ति प्रकाश कलकत्ता से निकलने वाली 1929 में, जिसके संपादक थे प्रसाद खत्री, बिहार बंधु 1929 की केशव राम भट्ट की, सदादर्स दिल्ली से निकलने वाली 1931 में लाला श्रीनिवास दास की, काशी पत्रिका 1933 में निकली थी बलदेव प्रसाद की, जो शिक्षा संबंधी मासिक, भारत बंधु 1933 में निकली थी तोताराम जी की थी, अलीगढ़ से प्रकाशित होती थी, भारत में तो कलकत्ता से निकली थी संबत 1934 में, जो रुद्र दत्ता द्वारा प्रकाशित होती थी संपादित होती थी, मित्र विलास लाहौर से निकलने वाली पत्रिका थी 1934 में संपादक कन्हैया लाल, हिंदी प्रयाग से निकलती थी 1934 में निकली थी, ठीक है, हिंदी प्रयाग 1934 बाल कृष्ण भट्ट की थी, ये मासिक थी, आर्य दर्पण शाहजहांपुर से निकलती थी, बख्तावर सिंह थे इसके संपादक और 1934 में निकल से शुरू हुई थी, साफ सुधा ने थी कलकत्ता 1935, सदा उचित वक्ता कलकत्ता 1935, दुर्गा प्रसाद मिश्र सज्जन की उदयपुर से निकलती थी 1936, बंसीधर भारत सुदशा प्रवर्तक फरखाबाद से निकलती थी 1936 में, गणेश प्रसाद के द्वारा, आनंद कादम्बनी मिर्जापुर से निकलती थी 1938 में, उपाध्याय पंडित बद्री नारायण चौधरी की थी, मासिक रूप से निकलती थी, देश तैसी अजमेर से निकलती थी 1936 से, दिनकर प्रकाश लखनऊ से निकलने वाली 1940 की, जिसके संपादक रामदास वर्मा थे, धर्म दिवाकर कलकत्ता की थी 1940 की, जिसके संपादक देवी सहायती थे, प्रयाग समाचार 1940 देव की नंदन त्रिपाठी, ब्राह्मण कानपुर से निकलती थी 1940 से, जिसके संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र, शुभ चिंतक जबलपुर 1940 जिसके संपादक सीताराम, सदाचार मार्तक जयपुर 1940 लालचंद शास्त्री, हिंदुस्तान इंग्लैंड 1940 राजा रामपाल सिंह, ये दैनिक थी, पीयूष प्रभा काशी 1941 जिसके संपादक अंबिका चंद व्यास थे, भारत की जीवन काशी से निकलती थी 1941 रामकृष्ण वर्मा, भारतेंदु वृंदावन 1941 राधा चरण गोस्वामी, कवि कुल कंच दिवाकर बस्ती से निकलती थी 1941 की रामदास उसके संपादक, इसमें से अधिकांश पद पत्रिकाएं तो थोड़े दिन ही चलते रहते, कुछ नहीं लगातार बहुत दिनों तक लोग हित साधना और हिंदी की सेवा की, जैसे बिहार बंधु, भारत मित्र, भारत जीवन, उचित वक्ता, दैनिक हिंदुस्तान, आर्य दर्पण, ब्राह्मण हिंदी के लिए, मित्र विलास सनातन धर्म के समर्थक पत्र था जिसने पंजाब में हिंदी प्रचार में बहुत कुछ कहा, ब्राह्मण हिंदी प्रतीक और आनंद कादम के साहित्य पत्र थे जिसमें बहुत सुंदर मौलिक गद्य प्रबंध और कविताएं निकला कर, इन पत्र पत्रिकाओं को बराबर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, हिंदी प्रतीक को कई बार बंद होना पड़ा, ब्राह्मण संपादक प्रताप नारायण मिश्र को ग्राहकों से चंदा मांगते मांगते थक कर कभी कभी पत्र में इस प्रकार की याचना करनी पड़ती थी, 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा का, सोच लीजिए, बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री ने हिंदी संवाद पत्रों के प्रचार के लिए बहुत उपयोग किया, उन्हें संवर्ष 1928 में हिंदी दीप्ति प्रकाश नामक एक संवाद पत्र और प्रेम विलासी नाम का एक पत्रिका निकाली थी, उस समय हिंदी में संवाद पत्र पढ़ने वाले थे ही ने पाठक उत्पन्न करने के लिए बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री ने बहुत जोर दी, लोगों के घर जा कर वे पत्र सुना करता पाते थे, इतना सब करने पर भी उनका पत्र थोड़े ही दिन चलकर बंद हो गया, जब पत्र 1938 तक कोई अच्छा और स्थायी साप्ताहिक पत्र नहीं निकला था, संपत 1935 में पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र द्वारा पंडित छोटे लाल मिश्र और पंडित सदानंद मिश्र और पंडित बाबू जगन्नाथ प्रसाद खन्ना के उद्योग से कलकत्ता में भारत मित्र कमेटी बनी और भारत मित्र पत्र बड़ी धूम से निकला, जो बहुत दिनों तक हिंदी संवाद के पत्रों के रूप हिंदी संवाद पत्रों में ऊंचा स्थान ग्रहण किए रहे। प्रारंभ में जब छोटू लाल मिश्र इसके संपादक थे तब भारतेंदु जी भी कभी कभी इसमें लेख लिखा करते, उसी संवत में लाहौर से मित्र विलास नामक पत्र पंडित गोपी नाम के उत्साह से निकला, इसमें इसके पहले पंजाब में कोई हिंदी पत्र ना
केवल ज्ञान बदायी नाम से एक पत्र का उर्दू में बापू नवीन चंद्र प्राप्त होती थी, जिसमें शिक्षा और सुधा संबंधी लेखों के अतिरिक्त ब्रह्मोत्मत्ती की बात का रहा पत्र। इसके सिवा पीछे जो पद्म बांधव निकला उसमें भी उर्दू और हिंदी दोनों रहते, केवल हिंदी का पत्र था। कवि बचन सुधा की मनोहर लेख शैली और भाषा पर मुग्ध होकर पंडित गोपीनाथ ने मित्र विलास निकाला था, जिसकी भाषा बहुत सुस्त और ओजस्वनी होती। भारतेंदु के गोलोकवास पर बड़ा ही मार्मिक भाषा में इस पत्र ने शोक प्रकाशित किया था और उनके नाम पर संवत चलाने का आंदोलन उठाया था। ठीक है, इसके उपरांत संवत 1935 में पंडित दुर्गा प्रसाद के मिश्र के संपादन में उचित वक्ता और सदानंद मिश्र के संपादन में सार सुधा निकले, दोनों पत्र कलकत्ते से निकले थे। इन दोनों महाशयों ने बड़े समय पर हिंदी का एक बड़े आभाव की पूर्ति में योग किया। पीछे काला पाकर के मनस्वी और देशभक्त राजा रामपाल सिंह ने अपनी मातृभाषा सेवा के लिए खड़े हुए और संवत 1940 में इन्होंने हिंदुस्तान नामक पत्र इंग्लैंड से निकाला, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों रहती थी। भारतेंदु के गोलोकवास के पीछे संवत, गोलोकवास आप सभी समझ रहे होंगे उनके मतलब मृत्यु के पश्चात, संवत 1945 में हिंदी दैनिक के रूप में निकला था जो बहुत दिन तक चलता है। इसके संपादकों में देश पूज्य पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बाबू पाल मुकुंद गुप्त ऐसे लोग रह चुके थे। बाबू हरिश्चंद्र के जीवन काल में ही अर्थात मार्च 1884 बाबू रामकृष्ण वर्मा ने काशी से भारत जीवन पत्र निकाला। इस पत्र का नामकरण भारतेंदु जी ने भी किया। ठीक है, यहाँ से हमारा प्रथम प्रकरण खत्म होता है। द्वितीय प्रकरण का हम प्रारंभ अपने अगले वीडियो में करेंगे, हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आपके कितनी समय को हमारा वीडियो सुनने में लगाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं ना कहीं ये आपकी अध्ययन में सरलता प्रदान करेगा, आपको कहीं ना कहीं कुछ तो योग करेगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक करना। साथ बने रहने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद।